नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जेल से आईएएस परिवार के द्वारा मैं कामिनी कौशल लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों की सीरीज। चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट टू। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, मानसून किस भाषा का शब्द है। क्या रहा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मानसून किस भाषा का शब्द है। ए बी सी डी हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ग्रीक, लैटिन, अरबी और फारसी। क्या ऑप्शन है दोस्तों हमारे, ए पहला है ग्रीक, लैटिन, अरबी और फारसी। देखिए तो राइट आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, अरबी। राइट आंसर क्या होगा हमारा, अरबी। आया दोस्तों समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है। देखिए हमारे पास ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप देखिए और क्वेश्चन अच्छे से रीड करिए। देखिए ए बी सी डी हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए पहला है उष्णकटिबंधीय मानसून, दूसरा है हमारा महासागरीय जलवायु, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, और दूसरा है हमारा लास्ट वाला जो है ए और बी, और डी है जो इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताती हूँ, देखिए ये क्वेश्चन हमारा जो है किस टाइप से बनेगा। ठीक है, देखिए बेटा उष्णकटिबंध की मैं बात करूँ आप लोगों से, देखिए ये हमारा क्या है, देखिए ये हमारा क्या बेटा, अर्थ है। क्या है हमारा, अर्थ है। देखिए ये जो रहा हमारा जीरो डिग्री अक्षांश, कौन सा अक्षांश है बेटे, जीरो डिग्री अक्षांश है ना। ठीक है, ये रही हमारी कर्क रेखा, ये कौन सी रेखा बेटा, कर्क रेखा है ना, जो कि 23.5 डिग्री है ना। नीचे कौन सी बेटा हमारी, मकर रेखा, कौन सी रेखा है हमारी, मकर रेखा। ठीक है, ये भी कितने बेटा, 23.5 डिग्री। देखिए बेटा अगर हम लोग ज्योग्राफी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से आना चाहिए, देन चाहे वो क्वेश्चन कैसा भी पूछ ले तब भी हम लोग उसको अच्छे से कर देंगे है ना। देखिए तो बेटा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया होता है वो जो है अपना कैसा होता है बेटा, उष्णकटिबंधी होता है। कैसा होता है बेटा, उष्णकटिबंधी होता है। पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, ये हमारा अर्थ है। यहाँ ये जो रेखा गई ये हमारी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या जीरो डिग्री अक्षांश इसको हम लोग बोल सकते हैं। और बेटा ये रही हमारी कर्क रेखा, कौन सी रेखा बेटा, कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो है हमारे मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गई हुई है। ठीक है, और जो है हमारी मकर रेखा, मकर रेखा भी यहाँ पर अपने 23.5 डिग्री है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता बेटा वो कौन सा होता, अपना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है होता है। ठीक है, तो हमारा जो भारत है इसकी स्थिति भी यही है, भारत की स्थिति भी यही है हमारे। ठीक है, चलिए तो ये पहला वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये समझ में आ गया बेटा। अभी मैं इसके बारे में आपको एक और चीज़ समझाना चाहूँगी। ठीक है, देखिए अब मैं बात करती हूँ आपसे महासागरीय जलवायु। ठीक है, किसकी बात करें, मध्य प्रदेश जो हमारा है। ठीक है, देखिए मैं मध्य प्रदेश का अपना मैप बनाऊँगी। देखिए बेटा ये रहा अपना मध्य प्रदेश, ये क्या रहा बेटा अपना मध्य प्रदेश। देखिए तो ये जो उत्तरी भाग है हमारा, ये जो उत्तरी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, ये जो उत्तरी क्षेत्र है इसकी जो जलवायु है बेटा महासागरीय जलवायु है। कौन सी है, महासागरीय या महाद्वीपीय जलवायु है ना। क्यों है बेटा, देखिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि जो मध्य प्रदेश है एक तो भू आवेष्टित है। कैसा बेटा, भू आवेष्टित। भू आवेष्टित मतलब क्या होता है बेटा, इसकी जो सीमा है किसी भी समुद्र तल से नहीं लगी हुई है। इसकी सीमा क्या है, किसी भी समुद्र तल से नहीं लगी हुई है। दूसरा है जो बेटा यहाँ पर देखिए उत्तरी जो क्षेत्र है एक तो भू आवेष्टित है, चारों तरफ भैया कोई भी समुद्र नहीं है। दूसरा बेटा यहाँ पर ये जो अपने जो उत्तर आ जाता है, कौन सा आ जाता है अपना, उत्तर प्रदेश जो आ जाता है ना। देखिए ये रहा अपना, मतलब मैं आपको थोड़ा सा ऐसा करके बताती, ये अपना रहा मान लो मध्य प्रदेश। ठीक है, ये रहा थोड़ा सा नीचे आएगा मध्य प्रदेश अपना, देखती हूँ। ठीक है, देखिए मतलब थोड़ा सा मैप आपको अच्छे से ड्रॉ करके एक बार बता देती हूँ बेटा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपके सारे कॉन्सेप्चुअल जो आपका एग्ज़ाम जो होता है वो ऐसे ही होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपकी किसकी स्थिति बेटा, मध्य प्रदेश की स्थिति, किसकी, मध्य प्रदेश की। देखिए यहीं पर आपका यूपी आ गया है ना, और ये जो अपना
अपना विशाल जो है अपना हिमालय वो फैला हुआ है यहाँ पर, ठीक है, हिमालय फैला हुआ है, ठीक है बेटा। तो ये जो उत्तरी जो क्षेत्र है बेटा, यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और जो है ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इसकी जो मानसून है वो कैसा है, थोड़ा सा बदला हुआ है, जो कि इसीलिए इसको क्या बोला गया, महासागरीय जलवायु बोला गया। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ ले उष्ण कटिबंधी भी दे दे और महासागरी भी दे दे, तो बेटा आपको जो है कंफ्यूज़ नहीं होना है आपको, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट आपका है ये वाला उत्तरी क्षेत्र वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा बेटा क्या होगा, हमारा ए और बी, है ना, ए और बी जो है क्या है, दोनों हमारे आंसर्स होंगे। आपको आया समझ में बेटा अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए बेटा अब हमारा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? किसके आधार पर बेटे? जलवायु के आधार पर जो मध्य प्रदेश है उसको किस भागों में बांटा गया है? देखिए बेटा मानसून की मैं बात करती हूँ आप लोगों से, या फिर जलवायु की बात करती हूँ, तो जलवायु जो होती है हमारी एक एक जैसे कि मैं आप लोगों से बात करती हूँ, बारिश जो होती है हमारे यहाँ बारिश बोलते हैं, बारिश हमारी 4 माह की होती है, ठीक है, गर्मी भी जो हमारी लगभग 4 माह की होती है, ठंड भी, ठीक है, इसमें बसंत ऋतु भी हमारी जो है आ जाती है। तो कहने का मतलब कि इस तरीके से जो है जलवायु मतलब एक पर्टिकुलर जो मौसम होता है वो कुछ समय के लिए बना रहे, कुछ समय की, जैसे अभी बारिश शुरू होने वाली है ना, बारिश में हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, घूमते हैं बढ़िया, है ना, गरम गरम पकौड़े खाते हैं, चाय पीते हैं, इस तरीके से हर सीज़न को हम लोग इन्जॉय करते हैं। जैसे अभी समर वेकेशन है, समर में हम लोग जो है आइसक्रीम वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं, है ना, इन्जॉय करते हैं मतलब हर सीज़न को। तो देखिए वो जो समय एक टाइम तक बना रहता है, ऐसा तो नहीं कि एक दिन बहुत गर्मी लग गई और अगले दिन ठंड हो गई, ऐसा नहीं होता। तो कोई सा भी जो समय होता है, समय अंतराल जो एक समय तक रहे और उसका जो इफेक्ट होता है, जैसे कि वर्षा भी होती है, गर्मी भी होती है, आर्द्रता भी जो है आ जाती है उसी एटमॉस्फेयर के कारण, तो बेटा यही सब जो फैक्ट्स होते हैं, यही सब क्या होते हैं हमारा जो जलवायु होती है, ठीक है। इसीलिए जो मध्य प्रदेश की जलवायु वो कैसी थोड़ी सी भिन्न है, ठीक है। चलिए अब आती हूँ हमारे क्वेश्चन पर आती हूँ बेटा। देखिए जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है ना, हमारे पास ABCD 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग देखिए। देखिए पहला कौन सा है हमारा, 1, 2 और जो है अपना 3, है ना, ये रहा इसके 4। तो देखिए बेटा हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, वो क्या होगा हमारा, कितने प्रकार की है, 4 प्रकार की, कितने प्रकार की है, चार प्रकार की बेटा, ठीक है ना। चलिए मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताती हूँ। देखिए मैं आपको मैप बनाकर बताऊंगी, है ना, मध्य प्रदेश का जो है अपना मैप बनाकर आप लोगों को डिफाइन करूंगी, ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो कैसी रहे बेटा, कंठस्थ रहे और आपको जो है अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि बच्चों को जो है क्या अच्छे से याद हो जाए चीज़ें, ठीक है। चलिए देखिए देखिए बेटा ये रहा अपना मध्य प्रदेश, ये कौन सा रहा अपना मध्य प्रदेश, ठीक है बेटा। तो देखिए इसमें पहला जो भाग है अपना कौन सा, उत्तरी क्षेत्र है, ये कौन सा बेटा, उत्तरी क्षेत्र है, ठीक है, कौन सा क्षेत्र है बेटा, उत्तरी क्षेत्र है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर क्या होती है, सबसे ज़्यादा क्या होती है बेटा, गर्मी भी होती है ना, गर्मी सबसे ज़्यादा होती है, कौन सी होती है, सबसे ज़्यादा होती है गर्मी भी, और जो ठंड, ठंड भी क्या होती है आपकी, ठंड भी क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है, ठंड भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो क्या होता है अपना उत्तरी क्षेत्र है ना। दूसरा अपना आता है बेटा मालवा का पठार, दूसरा कौन सा आता है आपका जो है मालवा का पठार, यहीं पर आता है मालवा का पठार आप लोगों का, है ना, ठीक है, ये रहा आपका मालवा का पठार। तो बेटा मालवा के पठार की जो जलवायु है वो कैसी है, ना तो यहाँ पर क्या है ज़्यादा क्या होती है गर्मी, मतलब सामान्य गर्मी रहती है, कैसी रहती है बेटा, सामान्य गर्मी होती है, ठीक है, और ठंड भी कैसी होती है बेटा, सामान्य होती है, ठंड भी कैसी होती है आपकी, सामान्य होती है, ठीक है। चलिए फिर मैं बात करती हूँ आप लोगों से बेटा नर्मदा घाटी, किसकी बात करती हूँ आपसे, नर्मदा घाटी की, ये अपनी क्या रही, नर्मदा घाटी, कल इसके बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। चलिए नर्मदा घाटी, तो नर्मदा घाटी की जो जलवायु है बेटा यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी जो है ठंड भी बहुत ज़्यादा होगी, ठंड भी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी,
है ना, और जो गर्मी होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, गर्मी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपका आता है निमाड़ी क्षेत्र, कौन सा आता है बेटा, निमाड़ी क्षेत्र कौन सा आता है, निमाड़ी क्षेत्र। तो ये जो निमाड़ी क्षेत्र है आप लोगों का, ठीक है, निमाड़ी क्षेत्र, निमाड़ी क्षेत्र जो है आप लोगों का, इस निमाड़ी क्षेत्र में भी जो क्या होती है बेटा, निमाड़ी क्षेत्र जो है आप लोगों का, यहाँ पर क्या होता है बेटा, गर्मी क्या होती है, अधिक होती है। निमाड़ी क्षेत्र में गर्मी क्या होती है, अधिक होती है, गर्मी क्या होती है, अधिक होती है। और ठंड भी क्या होती है बेटा इसमें, यहाँ पर ठंड जो होती है कम होती, ठंड क्या होती है बेटा कम होती। उसके बाद ये रहा आपका विंध्य क्षेत्र, क्या रहा आपका ये, विंध्य सतपुड़ा, क्या रहा आपका ये, विंध्य सतपुड़ा, कौन सा बेटा, विंध्य सतपुड़ा, है ना। विंध्य सतपुड़ा में जो रहा इसमें गर्मी कैसी होती बेटा, साधारण होती, गर्मी कैसी होती है आपकी, साधारण होती है ना, गर्मी कैसी होती है आपकी, साधारण होती। कैसी गर्मी होती है बेटा, साधारण, साधारण गर्मी होती है आपके जो ये विंध्य प्रदेश है ना, इस विंध्य प्रदेश में गर्मी कैसी होती है, साधारण होती है। ठीक है, और जो ठंड क्या होती है, ठंड क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है, ठंड क्या होती है यहाँ पर आपकी, ज़्यादा होती है। ठीक है ना, आया समझ में। देखिए, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश की जो जलवायु बेटा उसको चार भागों में बांटा गया। देखिए बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन आपका आया है बेटा, हर एग्जाम में पूछा गया है, हर एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको आपको मैंने बाय मैप अगर आपको समझाया तो बेटा आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करती उत्तरी क्षेत्र की, तो उत्तरी क्षेत्र में बेटा गर्मी भी बहुत अधिक होती है और ठंड भी क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, बात करती मैं आपके मालवा की, तो मालवा की, मालवा के जो है आपकी जलवायु, मालवा की जलवायु में सामान्य गर्मी होती है और सामान्य क्या होती है, ठंड होती है। मतलब हम लोग मध्य प्रदेश वाले नहीं बोलते अरे बाप रे बहुत गर्मी, अशोकनगर जाकर देखो आप लोग जल जाओगे, है ना, क्यों, क्योंकि उत्तरी क्षेत्र बेटा वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अभी अगर आप लोग चले जाओगे ना तो फिर वहाँ से आओगे ना तो आपको कोई पहचान ही नहीं पाएगा। ठीक है, ऐसे होकर आ जाओ क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी नर्मदा घाटी, ठीक है बेटा, नर्मदा घाटी में जो है आपकी ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है और सामान्यतः गर्मी भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद बात करती हूँ मैं अपना नीचे जो है निमाड़ी क्षेत्र, तो निमाड़ी क्षेत्र में बेटा गर्मी क्या होती है, बहुत अधिक होती है, गर्मी बहुत अधिक होती है। और दूसरा क्या होता है बेटा, ठंड जो है कम होती है। फिर आता अपना अपना विंध्य सतपुड़ा, विंध्य सतपुड़ा आता है इधर। ठीक है, तो विंध्य सतपुड़ा में जो है क्या होती है बेटा, ठंड क्या होती है, ज़्यादा होती है, और गर्मी क्या होती है यहाँ पर, जो है गर्मी सामान्य होती है। ठीक है, गर्मी क्या होती है बेटा, साधारण गर्मी होती है। ठीक है, आया कॉन्सेप्ट समझ में बेटा आप लोगों का, तो अपना जो राइट आंसर वो क्या बेटा, 4, मतलब जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वह 4 भागों में विभाजित है। आया आप लोगों को समझ में बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, अब मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा अधिक होती है, मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा अधिक होती है। ठीक है बेटा, ABCD 4 ऑप्शन है हमारे पास। देखिए, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग और पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। देखिए बेटा, क्वेश्चन की प्रवृत्ति को बहुत अच्छे से पहचानना है, क्योंकि क्या होता है अगर प्रवृत्ति नहीं पहचानेंगे तो आंसर टिक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए क्या पूछा है, मध्य प्रदेश के किस भाग में, किस भाग में वर्षा अधिक होती है ना। ठीक है, चलिए तो इसको भी बेटा बाय मैप में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगी, आपको कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। पढ़ते रहिए बेटा अच्छे से, खूब मेहनत करिए, है ना। चलिए देखिए बेटा, फिर से मैं आपको फिर पूरा भारत भ्रमण करवाऊंगी अभी। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ बेटा आप लोगों से। देखिए, पहले आपको मुझे थोड़ा सा अपना जो भारत है वो आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। देखिए, भारत, भारत की मैं बात करती हूँ, अपन लोग नीचे वाला जो क्षेत्र है इसकी बात करती हूँ मैं आप लोगों से। ठीक है, ये दक्षिणी भाग है अपना, है ना। तो देखिए, इधर अब इधर अपना कौन सा, अरब सागर है, कौन सा बेटा, अरब सागर है ना। नीचे अपना कौन सा बेटा है, हिंद महासागर, कौन सा भैया, हिंद महासागर। ठीक है, इंदौरी है ना, तो भैया हो आदत हो गई बोलने की। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद जो है ये अपना हो गया अरब सागर, है ना, ये हो गया अपना, और ये कौन सी हो गई बेटा, इधर अपनी बंगाल की खाड़ी, है ना, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और इंदौरी, इंदौरी लोग स्टेशन को स्टेशन नहीं बोलते, बोले टेशन, टेशन वाले, टेशन वाले हैं। ठीक है, चलिए तो उनके भी एक मजे हैं, है ना। देखिए, ये रहा अपना अरब सागर, ये रहा अपना बंगाल की खाड़ी, और देखिए बेटा जो मानसून जो उठता है अपना, ठीक है, अभी जैसे कि जो वर्षा ऋतु, वर्षा आने ही वाली है। ठीक है, तो बेटा यहाँ से
अरब सागरों की जो हवाएं चलती है, किसकी, अरब सागर की जो हवाएं चलती है वो आपके सबसे पहले जो बारिश कहाँ पर कराएगी, आपके केरल में। कहाँ पर कराएगी बेटा, क्या तो केरल का भी कौन सा तट बेटा, मालाबार तट। कौन सा तट बेटा, मालाबार जो तट है किसका, अपने केरल का, ठीक है ना। यहाँ पर 7 जून के लगभग जो है बारिश जो होती वो क्या होती स्टार्ट हो जाती, कब बेटा 7 जून को बारिश जो है स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, ठीक है। फिर क्या होता है कि बादल जो होते हैं हवाओं के साथ उड़ते 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 सब जगह बारिश करवा देते हैं। जैसे कि मैं बात करती हूँ यहाँ पर आके अपने केरल, केरल में बारिश हो गई अच्छी खूब सारी बारिश होती है यहाँ पर, ये इसी कारण से, क्योंकि ये जो है ये अरब से जो उठने वाला जो मानसून होता है वही क्या होता है बेटा यहाँ पर बरस जाता है, ठीक है। उसके बाद मानसून जो उठता है हमारा, मानसून सिर्फ अरब सागर से ही उठता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो क्या होता है बेटा, ये अपने डायरेक्शन चेंज कर लेता है, ये अपने क्या करती है डायरेक्शन, मतलब ऐसे दो भागों में विभाजित हो जाता है। मानसून उठता एक ही तरफ से है, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है अपने डायरेक्शन ऐसे दो भागों में विभाजित हो जाता है। दो भागों में क्या होता है बेटा, विभाजित होता है, एक इधर की तरफ चला जाता है, एक आपके अरब सागर की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो ये जो होती बारिश होती है, अब ये बारिश जो होते 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 कहाँ पर आएगी बेटा, अपने देखिए अब बारिश अब अपना कहाँ आ गया बेटा, अपन आ गया अपना मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर से मध्य प्रदेश बनाऊंगी मैं आप लोगों के लिए। देखो ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, है ना, ड्राइंग में शुरू से ही ऐसी रही, लेकिन ठीक है, अपने को सिर्फ पढ़ना है समझना है, ना कि जो है चित्रकारी नहीं करना अपन लोगों को, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है समझ में आना चाहिए बेटा मैन तो, है ना। चलिए देखिए, सॉरी देखिए बेटा फिर से ड्रॉ करूंगी, सॉरी। देखिए ये रहा अपना मध्य प्रदेश, ठीक है। तो क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है बेटा, देखिए ये जो मानसून आपका जो आएगा, ये मालाबार तट से जो मानसून उठेगा बेटा, ये कौन सा रहेगा आपका, दक्षिण पश्चिम वाला। कौन सा रहेगा बेटा, दक्षिण पश्चिम वाला। देखिए डायरेक्शंस की मैं बात करूँ, डायरेक्शन की मैं अगर आप लोगों से पहले बात करती हूँ, देखिए ये आपका क्या रहा पूर्व, ये क्या आपका पश्चिम, ये क्या आपका उत्तर, ये क्या आपका दक्षिण, ठीक है। अगर बात यहाँ की होती बेटा तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम, क्या बोलेंगे बेटा इसको, दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला भाग होता है इसे क्या बोलेंगे बेटा, दक्षिण पूर्व, क्या बोलेंगे इसको, दक्षिण पूर्व, ठीक है। बीच में अगर आ जाता है, बीच में अगर आ रहा है तो उसको यही बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व, ठीक है, आया समझ में। तो बेटा ये जो दक्षिण पूर्व का जो मानसून है ये अपने आ जाता है बेटा, कहाँ पर आ जाता है अपने, कहाँ आ जाता है बेटा अपना, ये जब ये अपना मध्य प्रदेश में आ जाता, मतलब ये रहा अपना मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो सबसे पहले बारिश होती है वो किससे होती है बेटा, दक्षिण दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है बेटा, दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश जो है होती है, ठीक है। और दूसरा जो होता है बेटा वे ऑफ बंगाल, हमारा क्या होता है वे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की जो खाड़ी होती है, ये इधर ही अपने बंगाल की खाड़ी में, ये रही अपनी इधर, है ना, ये रही बंगाल की खाड़ी, है ना। तो बंगाल की खाड़ी से भी जो आएगा ना तूफान बेटा, वो इधर की तरफ आएगा, कहाँ आएगा, ये बंगाल की खाड़ी से आएगा इधर वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो ये कौन सा, इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, दक्षिण पूर्वी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, दक्षिण पूर्वी बोलेंगे, है ना, ठीक है। और ये क्या रहेगा अपना, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो पहले जो बारिश कराता है वो पहले बारिश कौन कराएगा बेटा आपका, दक्षिण पश्चिम का मानसून मध्य प्रदेश में पहले बारिश कराएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कि जो दूसरा वाला जो मानसून आता है, ये पश्चिम बंगाल वाला मानसून आता है, कौन सा, पश्चिम बंगाल वाला जो मानसून आता है बेटा, इससे इससे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सबसे अधिक भाग में वर्षा होती, सबसे अधिक भाग में वर्षा होती किससे बेटा, दक्षिण पूर्वी जो अपना जो है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये रहा, और जो बारिश की बात करेगा वो कहाँ पर होगी बेटा, ये कौन सा हिस्सा अपना, पूर्वी हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है बेटा, पूर्वी भाग है, ये वाला पूर्वी भाग है मध्य प्रदेश का, ठीक है। ये उत्तरी भाग है, ये जो अपना पश्चिमी भाग है, ये अपना दक्षिणी भाग है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा बेटा, ये किस भाग में वर्षा अधिक होती है, तो कौन सा आंसर है बेटा अपना, डी वाला आंसर है, पूर्वी भाग में जो है बारिश अधिक होती है।
ठीक है बेटा, अच्छे से समझ में आया। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको जो बताया है दक्षिण पश्चिम मानसून से भी बारिश होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से मध्य प्रदेश में पहले बारिश होती है, या मैं केरल की बात करूँ तो केरल में मालाबार तट पर 7 जून से जो बारिश होती है वो आपके जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से ही बारिश होती है। और अगर मैं बात करूँ कि सबसे जो ज़्यादा बारिश जो होती है वो आपके मध्य प्रदेश के पूर्वी जो क्षेत्र है उस में बारिश होती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी जो है इसके बाद में आती है, किसके अरब सागर का जो मानसून पहले उठ जाता है, और बाद में कौन सा उठता है बेटा, पश्चिम बंगाल वाला मानसून उठता है। और पश्चिम बंगाल वाला जो मानसून जो उठता है वह अपने पूर्वी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा करवाता है, तो जो है सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है आपके पूर्वी क्षेत्र में होती है बेटा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटे। देखिए बेटा, MPBSC की मेंस की क्लासेज होती है हिंदी और जो है इंग्लिश, दोनों मीडियम में हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल है बेटा। 23 जून से हमारे यहाँ न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाली है, प्लीज़ आप आइए और विजिट करिए, और अधिक जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर जो दिए गए हैं एप्लीकेशन पर हमारी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है। क्या क्वेश्चन है बेटा हमारा, मध्य प्रदेश में न्यूनतम जो वर्षा है वो कहाँ होती है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमारे पास ABCD चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हमारा मंदसौर, दूसरा है हमारा रायसेन, सी वाला जो है हमारा भिंड गहोद, और इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसको एनालिसिस करिए, उसको समझिए, ये होती है एक क्वेश्चन पढ़ने का तरीका होता है ना। चलिए तो हमारा जो राइट आंसर होगा बेटा वो क्या होगा हमारा, राइट आंसर क्या होगा बेटा हमारा, सी। राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी सी भिंड गहोद। कहाँ कौन सी जगह बेटा, भिंड का गहोद। देखिए बेटा ये जो क्षेत्र है हमारा, कौन सा क्षेत्र आ गया बेटा, ये भिंड। देखिए ये हमारा उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है, ये आ गया हमारा भिंड, ये कौन सा आ गया बेटा भिंड। भिंड में एक जगह है जिसका नाम क्या है, गहोद। क्या है यहाँ पर, ये गहोद का किला भी है भिंड में, गहोद का क्या है बेटा, किला भी है, गहोद का क्या है, किला भी है, ठीक है। तो ये जो जगह है बेटा ये क्या होती है, एकदम क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब लास्ट की तरफ आ जाती है, मतलब बिल्कुल मतलब ये एक कोने वाली जगह मान सकते हैं अपन लोग इसको, कौन सी कोने वाली जगह इसको मान सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, बादल जो उड़ते हैं ना हवाओं में, उड़ते 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 बारिश करवाते करवाते जब जाते, जब अंत में यहाँ तक जब आ जाते हैं, तो बारिश जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो बेटा आपका जो भिंड में जो बारिश होती है वो कितनी होती है आपकी, 55 सेंटीमीटर होती है सर। कितनी होती है बेटा, 55 सेंटीमीटर जो बारिश होती है वो सबसे कम बारिश जो है अपने यहाँ पर होती है, ठीक है बेटा। कितनी होती है, 55, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, आया समझ में आप लोगों को बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बेटा अब एक और क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्या है हमारा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो वर्षा किससे होती है, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही जो हमारा क्वेश्चन था उसमें मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि कौन से वाले मानसून के कारण ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन एक बार और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, दक्षिण मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून और दक्षिणी पश्चिमी मानसून, या उपरोक्त सभी, ठीक है बेटा। अब देखिए MPBSC या कोई सी भी एग्ज़ाम हो, अगर ऐसे उपरोक्त देते तो हम लोग क्या करते हैं, इसी पर टिक करेंगे, आंसर क्या है, ये ही होता है ना, ऐसा ही होता है। तो देखिए भैया अपन जो है तुक्का नहीं लगाएंगे, अपन लोग क्या करेंगे, व्यवस्थित पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं जो है क्लियर होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बेटा फिर वही बात, ये अपना भारत है, दक्षिणी जो है नीचे वाला, यहाँ से कौन सा मानसून उठेगा अपना, अरब सागर से मानसून उठेगा, ये कौन सा बेटा, अरब सागर है ना, ठीक है। ये अपना कौन सा बेटा, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या बेटा, बंगाल की खाड़ी है, और इधर से जो उठने वाला जो मानसून होता है वो कौन सा होता है बेटा, दक्षिण पूर्वी मानसून होता है, कौन सा बेटा, दक्षिण पूर्वी मानसून जो है होता है, ठीक है। तो जो बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है, मानसून तो ये भी है, ये वाला भी मानसून अपना, ये वाला भी है, लेकिन अधिक जो बारिश होती है वो किससे होती है बेटा, इससे होती है अधिक, और पहले जो बारिश होती है वो किससे होती है, इससे, पहले बारिश, है ना। मैं इसमें थोड़ा सा लिख देती हूँ ताकि आप लोग
कभी भी पढ़ें बेटा तो आपको जो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण पूर्वी मानसून से क्या होगा। दक्षिण पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होगी, सबसे ज़्यादा वर्षा होगी, है ना, ठीक है। उसके बाद फिर ये रहा आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है बेटा, ये सबसे पहले वर्षा करवाता है। सबसे पहले जो वर्षा कौन करवाता है, ये पहले वर्षा ये करवाता है। पहले वर्षा इसी वाले मानसून के कारण होती है, ठीक है बेटे, आया समझ में आप लोगों को, है ना। तो देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे भी घुमा के पूछ ले बेटा, अगर अपने लॉजिक अपने कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो अपने को कोई सा भी क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर सकते हैं, है ना, ठीक है। देखिए तो ये रहा अपना दक्षिण पूर्वी मानसून, है ना बेटा, ये डायरेक्शन अपनी मैंने बताया भी आपको, दोनों ही डायरेक्शन आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। चलिए आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं अपने भारत की, तो जो अपना भारत है वो कृषि प्रधान देश है। हम लोग हमारी आधे से ज़्यादा जो हमारी जीडीपी है, जो अधिकतर किस पर डिपेंडेंट है, हमारी कृषि पर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। चलिए तो हमारे पास ABCD चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। पहला है 9, 7, 13 और 11, ठीक है। तो इसका जो पहला बेटा मैं आप लोगों को आंसर बता दूँ, क्योंकि इसका जो डिस्क्रिप्शन है थोड़ा सा बड़ा है ना। चलिए तो हम लोग पहले इस पे ऑप्शन पे टिक करते हैं, ठीक है। कौन सा होगा हमारा डी, कौन सा होगा बेटा आंसर हमारा जो है डी होगा, है ना। देखिए डी होगा, ठीक है। चलिए एक्सप्लेन इसको मैं आपको बताती हूँ। देखो बेटा मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने बेटा, 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जो कि निम्नलिखित है। पहला आपका छत्तीसगढ़ का मैदान, पहला कौन सा बेटा आपका छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है। फिर सेकंड वाला क्या, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, कैमूर पठार एवं सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र। फिर उसका क्या था, मध्य नर्मदा घाटी। नेक्स्ट विंध्य क्षेत्र, विंध्य पर्वत क्षेत्र, ग्रह क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, सतपुड़ा का पठार, मालवा पठार, निमाड़ का मैदान, ठीक है। उसके बाद जो है झाबुआ, उसके बाद कौन सी आपकी झाबुआ, और जो है झाबुआ के पहाड़ी क्षेत्र, और नेक्स्ट वाला क्या आपका गिरिडीह क्षेत्र, कौन सा है गिरिडीह क्षेत्र। तो बेटा ये जो 11 हैं क्षेत्र जो हैं, ये कृषि जलवायु के जो क्षेत्र हैं, ये इनसे भी क्वेश्चन आप लोगों से वो पूछ लेगा, ऑप्शन में ऐसा देगा जो हमको नहीं पता होगा। तो ये जो पूरे 11 जो क्षेत्र हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा आपका, क्वेश्चन पढ़िए क्या बोलता है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया गया है। क्या क्वेश्चन है बेटा, कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हमारे पास, चार ऑप्शन हैं ABCD। पहला है हमारा ग्वालियर, सॉरी पहला है बालाघाट, दूसरा है ग्वालियर, तीसरा हमारा गुना, और लास्ट क्या है बेटा हमारा गंज बसोदा, ठीक है। तो आप लोगों को शायद आंसर पता होगा, और क्योंकि आप लोग इतना तो पढ़ चुके होंगे, है ना। MPPSC एग्ज़ाम हमारा बहुत ही नियरेस्ट है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे बेटा। मेहनत करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी आपको, ठीक है। देखिए बेटे तो इसका ऑप्शन आपका क्या है बेटा, गंज बसोदा। क्या आंसर है आपका इसका, गंज बसोदा, ये आंसर है आपका, ठीक है। ये कहाँ आता है बेटा आपकी मैं बात करूँ, मैडम ये कहाँ आता है, देखिए तो ये आता है आपका विदिशा में। कहाँ आता है बेटा, विदिशा में, विदिशा में आता है ये, ठीक है। देखिए 1995 की मैं बात करूँ आपसे, 1995 में जब टेम्परेचर जब रिकॉर्ड किया था, तो जो है आपका जो गंज बसोदा था, ये जो है क्या है आपका बहुत हाईलाइट आ गया था। लेकिन अभी वर्तमान में, अभी 2013 की जो मैं बात करती हूँ, 2013 में आपका जो छतरपुर है, छतरपुर का जो नौगांव है, उसमें टेम्परेचर सबसे ज़्यादा जो है उन्होंने लिया गया है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैं आप लोगों को दे देती हूँ बेटा, क्योंकि देखिए ज़रूरी है ना। देखिए लास्ट टाइम पे जो PSC था आपका बेटा, उसमें जलवायु से आपके दो क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। जलवायु से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे बेटा, दो क्वेश्चन पूछे गए। आई होप कि इस बार भी पूछ ले वो, है ना। परीक्षा मतलब क्या, क्यों परीक्षा मतलब वो कि जिसके बारे में हमें कुछ पता ही ना हो,
वो क्या होती, परीक्षा होती। क्या होती बेटा, परीक्षा होती। देखिए देखिए, विदिशा में 1995 से लेके 1995 से लगंध वसुधा में तापमान जो है इतना जो है आपका तापमान लिया गया, कितना 48.9 डिग्री जो है सेल्सियस, सेल्सियस जो क्या इसका लिया गया है ना। लेकिन वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान मतलब बात करती हूँ बेटा 2013 की, 2013 की, तो ये जो था आपका नवगांव जिला छतरपुर में इतना 49.2 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान मेजर यहाँ का किया गया है, ठीक है। अगर देखिए क्वेश्चन पूछने की जो प्रवृत्ति होगी, लेकिन अभी वर्तमान में जो है 2013 में जो कंसिडर किया गया था बेटा वो 49.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है काउंट किया गया है, ठीक है। आया समझ में आप लोगों को बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा बेटा, गंज बसोली, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, जो GLC IAS है हमारा, MPPSC प्री के लिए टेस्ट सीरीज अभी हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही अवेलेबल है। आप अधिक जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए आप जो है हमारे एप्लीकेशन को स्टोर कर सकते हैं और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आप ले सकते हैं या यूट्यूब पे भी हमारे साथ आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक। चलिए बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए जलवायु की दृष्टि से जो है क्वेश्चन, जो ये वाला जो क्वेश्चन का पैटर्न है थोड़ा सा बहुत अच्छा है, और ये जो क्वेश्चन है बेटा ग्रुप 2 की जो एग्ज़ाम है उसका ही क्वेश्चन है, और मैंने जस्ट एक्सपेक्ट किया था कि ये क्वेश्चन जो है ऐसा पूछ सकता है एग्ज़ाम में, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन रीड करिए बेटा आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा बेटा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए AR सुब्रमण्यम तथा श्री मन्नार नारायण 1991 में तापमान पर वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए बेटा, जो जलवायु जो है टॉपिक, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे विद्वान आए और बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग तरीके जो है जलवायु बताई है, जैसे कोपेन भी आया है ना, तो ऐसे जो वैज्ञानिक जो आए हैं लोगों ने अलग अलग तरीके से मध्य प्रदेश की जलवायु को विभाजित किया, ठीक है। देखिए तो जो सुब्रमण्यम जो थे इन्होंने मध्य प्रदेश के जो जलवायु बेटा इसको कितने भागों में, 3 भागों में जो है बांटा गया इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन का देख लेते हैं किस तरीके का जो इन्होंने दिया है इसमें। देखिए बेटा, सुब्रमण्यम जो थे उनके अनुसार मध्य प्रदेश के जो जलवायु को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। अब जैसे कि कोपेन जो है, ये भी विद्वानी थे, कोपेन जो है इन्होंने क्या कहा, मध्य प्रदेश की जलवायु को 2 भागों में विभाजित करा गया। पहला क्या आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु, कौन सा बेटा उष्णकटिबंधीय, कौन सी है उष्णकटिबंधीय, ठीक है। और दूसरी कौन सी है आपकी शुष्क शीत मानसून, कौन सी है शुष्क शीत मानसूनी जलवायु है। ये किन के अनुसार है आपके, कोपेन के अनुसार इन्होंने 2 भागों में बांटा। कोपेन ने जलवायु को कितने भागों में बांटा बेटा, 2 भागों में बांटा। पहला है आपका उष्णकटिबंधीय सावना जलवायु, उष्णकटिबंधीय सावना जलवायु, और दूसरी आपकी बेटा कौन सी शुष्क शीत मानसून, कौन सी बेटे शुष्क शीत मानसून जलवायु, ठीक है। उसके बाद मैं बात करती हूँ आपसे, देखिए उसके बाद आपके जो वैज्ञानिक, अमेरिकी जो वैज्ञानिक है, अमेरिकी वैज्ञानिक, वैज्ञानिक देखिए ये जो थोड़ा सा नेम में मिस्टेक हो गई है, देखिए ये तो है आपका थर्नथवेट, क्या थे बेटा थर्नथवेट, कौन थे बेटा थर्नथवेट, थर्नथवेट जो थे इनके द्वारा मध्य प्रदेश की जो जलवायु इसको बेटा कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में जो है बांटा गया, कितने भागों में, 3 भागों में इसको जो है बांटा गया, ठीक है। देखिए पहला है आपका तर अल्फ जलवायु, कौन सी तर अल्फ जलवायु, ठीक है। उसके बाद जो है फिर है शुष्क जलवायु, उसके बाद फिर कौन सी अर्ध शुष्क जलवायु, कौन सी बेटा तर अल्फ जलवायु, नेक्स्ट है हमारी शुष्क जलवायु, उसके बाद कौन सी अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। ये कहाँ के बेटा आपके जो है किन के अनुसार, जो अमेरिकी जो वैज्ञानिक थे इनके अनुसार, है ना। तो ये जो अपने को याद रखना है ना, क्योंकि क्वेश्चन जब सुब्रमण्यम जी से पूछ लिया तो इन दोनों को पूछने में कोई हर्जाई नहीं है, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, कि चीनी यात्री फहियान ने किस पठार की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा गया है। ठीक है, कौन से पठार की, देखिए चीनी यात्री फहियान ने किस पठार की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा गया है। देखिए बेटा ऑप्शन ये रहा है आपके सामने, ABCD चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है मालवा का पठार, दूसरा है रीवा का पन्ना का पठार, नेक्स्ट है बुंदेलखंड का पठार, और डी जो है वो क्या बेटा, बघेलखंड का पठार। देखिए अगर हिस्ट्री आप लोगों ने अच्छे से रीड करी होगी ना, आई होप कि यू मेक दिस आंसर, मुझे पता आप लोग बना देंगे इस आंसर को, है ना, है ना। ठीक है चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा क्या होगा हमारा, मालवा का पठार। राइट आंसर क्या होगा हमारा बेटे, मालवा का पठार, है ना। देखिए ये रहा आपका मालवा का पठार। चलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इनके बारे में भी दे देती हूँ बेटा आप लोगों को, ताकि एग्जाम में देखिए कुछ भी पूछ लेगा आपसे। ठीक है, चीनी यात्री जो फहियान था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। कब आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये आए हुए थे, और मध्य प्रदेश में इन्होंने जो है 14 वर्षों तक रहे, और इन्होंने मध्य प्रदेश की जो जनता को मतलब मालवा के पठार की जो जनता है, इन लोगों को सुखी और समृद्ध जो है जनता इनको बताया। देखिए मध्य प्रदेश के जो मालवा के पठार के जो निवासी वो तो होते ही बहुत मस्त है ना, बहुत नेचर वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जितना होता है उतने में संतुष्टि रहती है इन लोगों को। ठीक है ना, जितना होता है उतने में संतुष्टि रहती है इन लोगों को। ठीक है चलिए, इसीलिए जो है जो चीनी यात्री जो फहियान थे, इन्होंने अपने मालवा के पठार के जो मतलब जो लोग हैं, जनता है, इसको बहुत अच्छा मतलब सुखी और समृद्ध इन लोगों ने इन्होंने कहा है। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में, जैसे कि आप लोगों से पूछ लें कि चीनी यात्री फहियान जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, क्वेश्चन ये भी जो है बन सकता है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे चलें। चलिए बेटा अब आता अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा था बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको रीड करिए इसको। चलिए क्या क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से महीने से मध्य प्रदेश में सर्दियाँ शुरू हो जाती है। देखिए सर्दियों का मौसम हम सबको बहुत ही पसंद होता है ना, तो आप लोग बता दीजिए ऑप्शन, ABCD हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, नवंबर, जनवरी, अक्टूबर और दिसंबर। ठीक है, अब देखिए बेटा इसमें से राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर क्या होगा बेटा नवंबर। नवंबर में बेटा क्या होता है, ठंड हल्की हल्की सी गुलाबी सी जो ठंड होती है वो क्या होती है, शुरू हो जाती है ना, मतलब थोड़ी थोड़ी सी ठंड लगती है, हम लोग थोड़े से जो वुलन ड्रेसेस होती है छोटी पतली वाली वुलन ड्रेसेस पहनते, और दिसंबर में हम लोग जितनी भी वुलन होती है वो सारी पहन के बैठ जाते हैं। ठीक है, वैसी वाली ठंड। चलिए देखिए मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जिसके अनुसार प्रदेश में तीन ऋतुएँ आती, कौन सी आती बेटा, तीन ऋतुएँ आती। ठीक है, पहली आती है ग्रीष्म, ग्रीष्म मतलब गर्मी वाला जो अभी हो रही है। ठीक है, आप पसीने में नहा लो, तो मार्च से जून कब आती है बेटा, मार्च से जून, अभी जैसे रोहिणी चल रही है हमारी, है ना, नौ तपे स्टार्ट हो गए, मम्मी बोलेगी बेटा प्याज रख लो, और अगर लू लग गई है प्याज से नहा लो, है ना, तो यही सब चीज़ें होती है। उसके बाद आती है कि वर्षा ऋतु जुलाई से अक्टूबर में होती है। उसका शीत ऋतु जो होती है आपकी नवंबर से फरवरी में। बेटा देखिए क्वेश्चन अगर उसने आपसे ये पूछ लिया कि सर्दियों वाला या ग्रीष्म ऋतु, तो सारी ऋतुओं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऋतु जो है कब से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े बेटा। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटते हुए मानसून से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि ठंडियों में सोने पे सुहागा हो जाता है, क्या हो जाता है, सोने पे सुहागा हो जाता है, मतलब बारिश हो जाए, खूब ठंड पड़ रही है खूब ज़्यादा, है ना, और बारिश हो जाए, फिर अगले दिन क्या होता है, अगले दिन बिस्तर से बाहर मत निकलो, ऐसी वाली ठंड हो जाती, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती, क्यों, क्योंकि उस समय बारिश होती, तो वो जो बारिश होती बेटा वो कौन से मानसून से होती है, आपके लौटते हुए मानसून से होती है। देखिए भैया बादल जाएंगे ऊपर,
ऊपर तक जाएंगे आपके जम्मू कश्मीर के भी और लेह लद्दाख तक आगे तक जाएंगे, वापस लौट के भी तो आना है उन बादलों को, ठीक है, फिर लौट कर आते हैं नीचे, आते आते सब जगह बारिश करवा के जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ अपने भारत की, मैं बात करूँ तो अपना पंजाब में बहुत अधिक बारिश होती है लौटते हुए मानसून से, ठीक है, दिल्ली में भी लौटते हुए मानसून से बारिश हो जाती है, दिल्ली में जाते समय भी बारिश होती है और आते समय भी बारिश होती है, मतलब दिल्ली में मजे हैं, दोनों जो मानसून रहते हैं उन दोनों से ही बारिश होती है। चलिए तो अब इस क्वेश्चन पर अपन लोग जो बात करते हैं बेटा कि उसमें लौटते हुए जो मानसून जो आ जाता है ठंडियों के टाइम पर जो बारिश हो जाती है उसे क्या बोला जाता है, तो अपन लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, देखिए चार ऑप्शन दिए हैं एबीसीडी, तो पहला है पाला, दूसरा है मावट, तीसरा है ओला, चौथा क्या है सियार, लेकिन अपन लोग क्या बोलते हैं उसको, मावट ही बोलते हैं, मावट गिर गया। लेकिन ये जो मावट होता है जो अपने किसान जो भाई उन लोगों के लिए बहुत ही बुरा होता है बेटा, ये मावट उनकी फसलों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है ना, तो कहीं कहीं कभी कभी बहुत अच्छा होता है, कभी कभी क्या होता है बहुत ही खराब होता है, जिसे क्या बोला जाता है बेटा, मावट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मावट। अब देखिए बेटा ये जो मावट आता है इसका भी रीज़न होता है, बिना रीज़न के कोई चीज़ें नहीं होती, ठीक है, देखिए तो इसके पीछे जो रीज़न था वो क्या है बेटा अपना, देखिए ये रहा रीज़न, ये इसके पीछे क्या है, ये वाला रीज़न है, देखिए भारत के पश्चिम की ओर, भारत के पश्चिम की ओर भूमध्य सागर है, कौन सा बेटा, भूमध्य सागर, कौन सा बेटा, भूमध्य सागर है, ठीक है, देखिए क्या बेटा, भूमध्य सागर, ये रहा अपना भारत। देखिए मुझे पता है मैं वैसा नहीं, लेकिन क्या होता है कि मुझे बस आपको मेंटली ये चीज़ें पता है भाई पश्चिम किधर आएगा, पश्चिम में कौन कौन होगा, पूरब की तरफ कौन कौन होगा, अपने से वो ये नहीं पूछेगा कि आप मध्य प्रदेश का मैप बना दो या इंडिया का मैप बना दो, विच इज़ नो डायरेक्शन, ओके। चलिए देखिए तो बेटा इसमें ये जो ये वाला जो भाग होता है अपना पश्चिमी जो भाग होता है, भारत की बात कर रही हूँ मैं आपसे बेटा, तो यहाँ पर भूमध्य सागर और अंध महासागर और कैस्पियन सागर तीनों तरह के जो सागर हैं अपने भारत के पश्चिम में स्थित है, कहाँ पर स्थित है बेटा, भारत के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। तो इन इनसे चलने वाली जो हवाएं होती है क्या होता है, इनसे जब हवाएं जो चलती है तो वो पाकिस्तान से, पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में बहते हुए, कहाँ पर बेटा, पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में बहते हुए जो मध्य प्रदेश में जो बारिश करा देते हैं, जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा, इसे पश्चिमी विक्षोभ इसको कहा जाता है ना, और यही बहते हुए जो होती है हवाएं बारिश करवा देती है, मतलब जो हवाओं के साथ ही क्या हो जाती है बेटा, बारिश जो है हो जाती है ना, और जो कि जनवरी और फरवरी माह में होती है, कब होती है बेटा, जनवरी और फरवरी माह में होती है, जिसे ही क्या कहा जाता है बेटा, मावट जिसे ही कहा जाता है। देखिए ये जो व्याख्या जो मैंने आप ही लोगों के लिए प्रोवाइड करी बेटा, क्योंकि क्या होता है कितनी बार जैसे जो ओरली जो चीज़ें बोली जाती है ना, ओरली जो एक्सप्लेनेशन जो होता है वो बहुत अलग होता है कंपैरेटिवली जो दिया जाता है पीडीएफ में वो, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को नॉलेज वही मिले जो मैं बोलती हूँ, क्योंकि जो ओरली जो चीज़ें बोली जाती है ना बेटा, सीधे माइंड में सेट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया है, ठीक है, तो आप लोग इसको समझ लेना, क्या क्या डिस्क्रिप्शन, मावट आने का कारण क्या होता है बेटा, मावट आने का जो कारण होता है वो क्या होता है कि आपके पश्चिम में, आपके भारत जो है हमारा देश है भारत, उसके पश्चिम में जो है बेटा क्या है, भूमध्य सागर, अंध महासागर और जो है कैस्पियन सागर, ठीक है, आप लोगों ने अगर ज्योग्राफी पढ़ रखी होगी तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये सागरों से जो हवाएं जो बहती है, हवाएं जो बहती है तो पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में बहते हुए इसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, और यही विक्षोभ जो होता है ये मध्य प्रदेश में जो है बारिश करवा देता है, जो कि जनवरी से और फरवरी माह में जो बारिश हो जाती है, जिसे ही क्या बोला जाता है, मावट बोला जाता है, और ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है ना, ठीक है, आया आपको समझ में बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, देखिए बेटा मध्य प्रदेश में क्वेश्चन क्या है हमारा, मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है, मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है, ठीक है। देखिए एबीसीडी हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं, और मुझे पता है मेरे बच्चे सब ये इसको अच्छे से कर देंगे, क्योंकि सबको पता है कितनी होती है बेटा, 112, कितनी होती है बेटा, 112 सेंटीमीटर जो है मध्य प्रदेश में बारिश होती है, ठीक है, ये रहा अपना राइट आंसर, ये रहा, ठीक है। चलिए इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको, देखिए मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है बेटा, 112 सेंटीमीटर होती, कितनी होती है 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा, औसत वर्षा की बात कर रहे हैं बेटा, औसत मतलब जैसे मान लो कि औसत मतलब क्या, औसत मतलब बड़े और छोटे सबको गिन के उनमें जितने नंबर ऑफ वो हैं उन्हें कहीं जो है भाग देना है, ठीक है, वो होता है औसत। तो यहाँ पर औसत वर्षा की उन्होंने बात करी, तो औसत वर्षा जो होगी आपकी बेटा कितनी होगी, 112 सेंटीमीटर जो होती क्या होती है, बारिश होती है ना, और मध्य प्रदेश में 112 होती है, और बात करती हूँ मैं पूरे भारत की, पूरे भारत में कितनी होती है बेटा, पूरे भारत में जो होती है आपकी 125 होती है, कितनी होती है 125
25 होती है, ठीक है, 125 सेंटीमीटर जो है बारिश पूरे भारतवर्ष में होती है, जिसे क्या बोला जाता है, औसत वर्षा, किसको बोला जाता है, औसत वर्षा बोला जाता है, ठीक है। चलिए आया बेटा समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मैंने अभी अभी हम लोगों ने बात करी थी मावठ की बात करी थी, किसकी बात करी थी बेटा, मावठ की बात करी थी, और अब जो ये वाला हमारा क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है। देखिए क्वेश्चंस की प्रवृत्ति और इनको रीड अच्छे से करना, इनको समझना कि क्वेश्चन किस तरह का दिया गया है, मुझे पता है आप सब बहुत जीनियस हैं, आप सब पढ़ लेते हैं, आप सब बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, बहुत होशियार होंगे, लेकिन क्या होता है बेटा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमारा दिमाग जो है हम बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसको हम लोग यानी गोल नहीं कर पाते उस क्वेश्चन में, तो यही होता है कारण कि हम उसको रीड नहीं करते, ठीक है। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में लौटते हुए मानसून से वर्षा कौन से पठार में होती है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि मध्य प्रदेश में लौटते हुए मानसून से जो वर्षा होती है वो कौन से पठार में होती है बेटा, ये रहा आपका राइट आंसर, कहाँ पर होती है आपके रीवा पन्ना का जो पठार है यहाँ पर जो है सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है, रीवा पन्ना का पठार यहाँ पर सर्वाधिक जो है लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश में लौटते हुए रीवा पन्ना में होती है, जबकि भारत में लौटते हुए मानसून की जो वर्षा होती है आपके पंजाब दिल्ली और तमिलनाडु में होती है, कहाँ पर होती है बेटा, आपके पंजाब दिल्ली और तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, भारत की बात कर रही हूँ, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। चलिए क्या क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन ये रहा हमारा कि मध्य प्रदेश में, क्या क्वेश्चन है बेटे, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, क्या बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। हमारे पास चार ऑप्शंस दिए गए ए बी सी डी, ठीक है, पचमढ़ी, जबलपुर, ग्वालियर और शिवपुरी। क्या पूछा बेटा, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा, क्या पूछा बेटा, सर्वाधिक वर्षा वाला जो है स्थान पूछा, आप इसको पढ़िए है ना, और जो है समझिए कि क्वेश्चन की प्रवृत्ति क्या है और क्या पूछा है हमसे, है ना। तो पचमढ़ी जो हमारा क्या होगा बेटा, राइट आंसर होगा, क्या होगा, पचमढ़ी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए बेटा यहाँ पर जो है आप लोगों से क्वेश्चन किसके बारे में, स्थान को लेके पूछा है, किसको लेके पूछा है बेटे, स्थान को लेके पूछा है आप लोगों से, स्थान में क्या आएगा आपका, पचमढ़ी, क्या आएगा बेटा, पचमढ़ी आएगा आपका स्थान में, ठीक है। और अगर आपसे बेटा जिला पूछ ले तो, जिला पूछ ले तो क्या आएगा बेटा, बालाघाट, कौन सा आएगा बेटा, बालाघाट जिला आएगा आपका, ठीक है। और न्यूनतम वाला जिला भिंड, ये ज़्यादा वाला है, ठीक है, और ये न्यूनतम वाला, कौन सा वाला बेटा, न्यूनतम वाला जिला आपका कौन सा आएगा, भिंड आएगा, ठीक है। इसको और अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं, देखिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो पचमढ़ी है आपका, है ना, पचमढ़ी कहाँ आता, होशंगाबाद में, ठीक है, पचमढ़ी कहाँ आता आपका, होशंगाबाद में जो है आता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कितने सेंटीमीटर बारिश होती है बेटा, 199 सेंटीमीटर बारिश होती, कितनी, 199 सेंटीमीटर जो है बारिश होती, कहाँ पर, पचमढ़ी में, पचमढ़ी कहाँ आता आपने, महादेव श्रेणी में, ठीक है, वहाँ पर होती है उस, लेकिन लेकिन अगर जिले की बात कर दे, किसकी बात कर दे आपसे, जिला पूछ ले बेटा, तो क्या आएगा आपका, बालाघाट आएगा, जिले में क्या आएगा आपका बेटा, बालाघाट आएगा। और न्यूनतम वर्षा वाला जो जिला आपका क्या, भिंड और गहोद आएगा, ठीक है। और अगर स्थान भी पूछ ले और न्यूनतम बात करें अगर आप, तो न्यूनतम स्थान की भी अगर बात करेगा बेटा, तो ही भी आपका क्या आएगा, गहोद भिंड ही आएगा। यहाँ पर कितने, 55 सेंटीमीटर जो है बारिश होती है, ठीक है। आप जो है बेटा स्थान में और जिले में और फिर से स्थान में वगैरह पूछ ले, स्थान न्यूनतम में आपका जो है, न्यूनतम जो है आपका भिंड ही आएगा, भिंड का गहोद जो है वहाँ पे, और जो आपका बालाघाट जो है जिला, ठीक है, यहीं पर जो है बालाघाट में सर्वाधिक वर्षा होती है, जिले की बात कर ले, लेकिन अगर स्थान पूछ ले बेटा, तो जो स्थान है वो आपका कौन सा है, पचमढ़ी है, जहाँ पर सर्वाधिक क्या होती है बेटा, बारिश होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा कि मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, क्या बोल रहा है बेटा, मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर वाला जिला कौन, तापांतर मतलब क्या होता है बेटा, ताप में अंतर, तापांतर मतलब ताप में अंतर, मैडम ताप में अंतर कल परसों, नहीं बेटा, ताप में अंतर मतलब हर दिन, हर दिन अंतर, जैसे आज मान लो 30 है, कल क्या होगा, 31, फिर क्या होगा, 32, 33, 34, समझ रहे हो,
तापांतर मतलब दिन के हिसाब से अंतर, तापांतर बोला जाता है उसको। अंडरस्टूड, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा तापांतर। देखिए हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी, ठीक है। पहला कौन सा हमारा बेटा, ग्वालियर है। दूसरा कौन सा, शिवपुरी है, मुरैना है। और फिर लास्ट कौन सा डी हमारा, भिंड है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। और जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा बेटा, ग्वालियर। आंसर क्या होगा हमारा, ग्वालियर होगा। आंसर क्या होगा बेटा हमारा, ग्वालियर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। देखिए ग्वालियर एक ऐसा जिला है जहाँ पर ताप में अंतर हमको हर दिन मिलता है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया पर डे, पर डे प्रत्येक दिन, हर दिन, ठीक है। जैसे कि मतलब कि हर दिन में एक नया ताप अंतर होगा, जैसे कि 30 डिग्री है ना, तो वो सीरियल वाइज होगा, 30, 31, 32, 33, 34, 36 और ऐसे करके 40 तक ये होता है तापांतर। तो ये कहाँ पर होगा बेटा, आपके ग्वालियर में होगा, ठीक है। अच्छे से समझ में आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटे। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में दोनों शाखाओं से बारिश होती है। दोनों शाखाएं मतलब कौन सी बेटा, दक्षिण पश्चिम मानसून और हमारा दक्षिण पूर्वी मानसून, ठीक है। इन दोनों से बारिश कहाँ पर होती है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, ए बी सी डी। इनमें से आप देखिए कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा मतलब कि जो आपको पता हो, लॉजिकली आंसर आप लोग इसमें दे पाएँ, ठीक है। पहला सतपुड़ा, कैमूर श्रेणी, विंध्याचल और मेकाल श्रेणी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा, आप बताइए क्या होगा राइट आंसर आपका, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा आपका, क्या होगा, विंध्याचल क्षेत्र। कौन सा बेटा, विंध्याचल जो क्षेत्र है, यहाँ पर दोनों मानसूनों से ही बारिश होती है। क्या होती है बेटा, दोनों मानसूनों से ही बारिश होती है ना। देखिए किस तरीके से दोनों मानसून से बारिश होगी, अभी बता देती हूँ बेटा आप लोगों को मैं। देखिए देखिए ये रहा आपका विंध्याचल क्षेत्र, विंध्याचल सतपुड़ा क्षेत्र बोल दो, विंध्याचल क्षेत्र ये आपका, ठीक है। तो ये विंध्याचल क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कि इधर से जो मानसून आता है वो कौन सा आता है बेटा अपना, दक्षिण पश्चिम वाला मानसून आता है। कौन सा, दक्षिण पश्चिम वाला मानसून आता है। और इधर जो अपने बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की जो खाड़ी है, तो इस खाड़ी के कारण जो मानसून आता है वो कौन सा होता है आपका, दक्षिण पूर्व मानसून। कौन सा, दक्षिण पूर्वी मानसून, ठीक है बेटा। तो यहाँ जो बारिश होती है, जो यहाँ आपका बालाघाट है ना, ये बालाघाट जो भी अपन ने मैंने डिस्क्राइब कर दिया थोड़ी देर पहले, बालाघाट आपका बालाघाट है ना, इसी बालाघाट में इन दोनों मानसूनों के कारण ही मतलब जो है बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो दक्षिण पूर्व का जो मानसून है, ये मानसून आपके विंध्य क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा जो है करवाता है, ठीक है। और ये जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून जो है बेटा, ये नर्मदा घाटी में सर्वाधिक वर्षा करवाता है। कहाँ पर, नर्मदा घाटी में सर्वाधिक वर्षा जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून ही करता है। क्योंकि भैया दो पहाड़ों के बीच में, भाई बादल जो है बारिश कब करवाएंगे, या तो बादल आपस में टकराएंगे, बिजली आ जाएगी आपस में टकराएंगे। तो जब बादल आपस में टकराते हैं तो उस टकराव के कारण ही जो एकदम मूसलाधार जो बारिश होती है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैं बात करूँ अपने उत्तराखंड की, बात करूँ उत्तराखंड में बारिश ज़्यादा क्यों हो जाती है, क्यों होती है, जो इसकी जो श्रेणी है, आप लोग देखते हैं कि नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर आपके जो है अरुणाचल प्रदेश से जो श्रेणियाँ चलती है अपने इसकी पर्वतों की जो श्रेणियाँ चलती, तो जो पर्वत की जो श्रेणियाँ आती है आपके उत्तराखंड में भी आती है पर्वतों की जो श्रेणियाँ, उन्हीं श्रेणियों में बादल आपस में टकराते और जो है बारिश आप लोगों की हो जाती है। जैसे कि एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी बेटे, जैसे कि मैं बात करती हूँ आप लोगों से, ये रहा आपके बंगाल की खाड़ी, ये रही आपकी बंगाल की खाड़ी है ना, और ये रहा अपना मतलब भारत का। मैं थोड़ा सा नक्शा बनाने की कोशिश करूँगी, इतना अच्छे से नहीं आता पर आई विल ट्राई। जैसे ये आपका रहा है मेघालय, क्या रहा है बेटा, ये मेघालय रहा आपका, ठीक है। तो इस मेघालय में भी देखिए, मेघालय में गारो खासी जयंतिया इन पहाड़ियों में ये बादल आपस में टकरा के खूब बारिश होती है यहाँ पर मेघालय में, ठीक है। मेघालय में बारिश बहुत ज़्यादा होती, क्यों होती बेटा, ये जो गारो खासी जो जयंती है ना, तीनों पहाड़ियाँ जो है ये एक आपके इस क्यूब के शेप की होती है। अपन लोग जो झब्बी लगाते हैं पेट्रोल के लिए, या
किसी जैसे बड़े मुंह की है, छोटे मुंह की जो होती हैं उनमें पानी डालने के लिए, या अधिकतर हम लोग घासलेट के लिए यूज़ करते हैं पुराने समय में, तो ये केप जो होती है ना इस शेप का ये होता है, कौन सा, गारो खांसी जयंतिया का जो शेप होता है वो इस तरह का होता है। तो बादल जब नीचे से जाते हैं ना, नीचे से जाते तो तीनों पहाड़ियों में खूब टकरा टकरा के खूब बारिश होती। इसीलिए भारत में सर्वाधिक जो बारिश होती है वो कहाँ होती है आपके, पहले कहाँ होती थी, चेरापूंजी में, चेरापूंजी भी आपका यहीं आता है, और अब जो है वो कौन सा है, मानेसरा में, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में। ठीक है बेटा, आया कॉन्सेप्ट समझ में आप लोगों को? चलिए, तो यहाँ पर अपने मैंने आप लोगों को विंध्याचल क्षेत्र जो आपको बता दिया बेटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। देखिए डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी आपको दे ही दिया डिस्क्रिप्शन, लेकिन एक बार और देख लीजिए। मध्य प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र में सर्वाधिक बारिश होती है। विंध्याचल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी के मध्य बहुत ही नर्मदा घाटी में भी बहुत अधिक वर्षा होती है, ये मैं भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए बेटा आज के लिए इतना ही। फिर इसी तरह के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके मैं आप लोगों के लिए आऊँगी, तो आप लोग बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो है दोस्तों ये टाइम जो चल रहा है आपकी मेहनत का टाइम चल रहा है, और बहुत अच्छे से मेहनत करिए बेटा, बहुत अच्छे से मेहनत करिए, अपने परिवार का नाम रोशन करिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए आप लोग। और मैं यही उम्मीद करती हूँ आप लोगों से बेटा कि बहुत अच्छे से मेहनत करिए, एक बार आप अच्छी पोस्ट ले लीजिए, फिर जो आपको नहीं जानते हैं वो लोग भी आपको आके सलाम करेंगे बेटा। ठीक है, मैं देखिए कुछ कहना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, रख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढता है फरिश्ते, रख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढता है फरिश्ते, पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। तो बेटा आप अगर अच्छे से मेहनत करेंगे ना, आपको मंजिल पर जाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है बेटा, चलो धन्यवाद।